अच्छा जी, लास्ट जो हमने डिस्कस किया था फ्रॉम द टीबी, वो हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो है वो सारी पैथोजेनेसिस होती हैं, हमने रिस्क फैक्टर्स डिस्कस किए थे, और वी डिस्कस अबाउट द ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, ठीक है, उसका क्या रोल होता है और वगैरह वगैरह। अब हम देखते हैं इसकी थोड़ी सी ना पिक्चर्स देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। दिस इज़ एक्चुअली द पिक्चर शोइंग यू द ट्रांसमिशन ऑफ टीबी, ओके, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय द एरोसोल ट्रांसमिशन, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी पैथोजेनेसिस में हमने डिस्कस किया था ना कि सबसे पहले हमारी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी से पहले क्या होता है, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस आते हैं, उनको खाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उनको खाने नहीं देते, अंदर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो वो 3 हफ्ते तक इंतजार करते रहते हैं कुछ हो लेकिन नहीं होता, लेकिन बाद में क्या होते हैं वो तंग आके क्या करते हैं, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को जो है ना वहाँ पर आने देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे टी हेल्पर सेल्स भी वहाँ पर आ जाते हैं, CD4 पॉजिटिव टी सेल्स, और वो इंटरफेरॉन गामा रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस होते हैं। एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस जो है बैक्टीरिया को मारते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जी अब हमें जो है ना और चीज़ें चाहिए, तो वो क्या करते हैं कि जी इंटरफेरॉन जो है सॉरी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और कीमोकाइंस रिलीज़ करके मोनोसाइट्स को बुलाना शुरू कर देते हैं। मोनोसाइट्स आके एपिथेलॉइड जॉइंट सेल्स बना देते हैं, उसकी वजह से जो फाइनल हमारे पास आती है चीज़ वो ये आती है, ठीक है। ये क्या है, दिस इज़ द ट्यूबरकुलस ग्रैनुलोमा, ठीक है। ये नॉर्मल हमारे जो जिनके अंदर इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है ना, जो बड़े इम्यून सिस्टम वाले स्ट्रांग इम्यून सिस्टम रखते हैं, उनके अंदर अगर माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो जाए ना, तो उनके अंदर ये चीज़ बन जाती है फाइनली, जो पैथोजेनेसिस हमने डिस्कस की है। सबसे दरमियान में आपको ये नज़र आ रहा है सेंट्रल केशियस नेक्रोसिस, ये वाली, यहाँ पे क्या हुआ है, सारे मरे हुए सेल्स हैं, नेक्रोसिस हुई हुई है, केशियटिंग नेक्रोसिस हुई हुई है। आपने पढ़ी थी ना नेक्रोसिस की टाइप, केशियटिंग नेक्रोसिस, ये सारी केशियस नेक्रोसिस हुई हुई है। उसके इर्द गिर्द आपको क्या नज़र आ रहे हैं, उसके इर्द गिर्द आपको एपिथेलॉइड नज़र आ रहे हैं सेल्स, ठीक है। ये वो दरअसल मैक्रोफेजेस है जो इन्होंने इनको सराउंड किया हुआ है। लैंगरहैंस सेल्स क्या है, ये वो थर्ड स्टेज सुपर सीएन है, जो किस तरह बने थे, जब हमारा जो है कीमोकाइंस और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर बना था ना, तब ये बने थे, तो लैंगरहैंस सेल्स हो गए। और क्या होता है जी, उसके बाद हमारे पास लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स भी वहाँ पे CD4 पॉजिटिव टी लिम्फोसाइट्स, जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प की थी इनमें, और इसके अलावा उसके इर्द गिर्द हमारे फाइब्रोब्लास्ट। तो ये आपका जो है ट्यूबरकुलस ग्रैनुलोमा है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू हैव टू राइट इट इन योर मॉर्फोलॉजी, ठीक है। अच्छा जी, अगेन दिस पिक्चर शोइंग यू, दरमियान में आपके पास केशियस नेक्रोसिस हुई है, ग्रीन कलर की आपको शो हुई हुई है, उसके बाहर आपके पास जो है ये सारे इस तरह के ये मैक्रोफेजेस हैं सारे, उसके बाहर आपको टी सेल्स नज़र आएंगे, मैक्रोफेजेस में आपको कुछ जॉइंट सेल्स भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो ये टी सेल्स हो गए रेड कलर के, और उसके बाहर ये आपको फाइब्रोब्लास्ट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नज़र आ रहे हैं कहीं, ये बैक्टीरिया इस तरह के, ये देखें ये मैक्रोफेजेस ने पकड़े भी हुए हैं अपने अंदर, और दरमियान में मार मार के रखे हुए हैं ये सारे, दरमियान में जो केशियस नेक्रोसिस में मरे हुए पड़े हुए हैं। उसके बाद ना ये वाली पिक्चर देखें, ये आपको लंग्स के अंदर ऊपर कुछ नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली हमारे पास इस तरह का जो बनता है ना, मतलब जहाँ पे कंटेन हो जाता है सारा हमारा जो है अभी हमने जो ग्रैनुलोमा बनाया है, ठीक है, ये जो कंटेन हो जाता है ना एक जगह पे, उसको हम कहते हैं गोहन्स फोकस, ठीक है, गोहन्स फोकस। ये देखें जी, पर्सन में कॉन्ट्रैक्ट द पल्मोनरी टीबी फ्रॉम इनहेलिंग द इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स फ्रॉम अ कफ और स्नीज बाय अ इन्फेक्टेड पर्सन, और उसकी वजह से देखें आप लंग के अंदर क्या बन गया, ग्रैनुलोमा बन गया, ठीक है, जो भी हमने बनाया है सारा। अच्छा, अब ये प्राइमरी टीबी की बात की जा रही है, जो प्राइमरी टीबी होता है ना वो आपका जो है ना इस रीजन में होता है, यहाँ पे करके, ठीक है, कहाँ पे करके, यहाँ पे करके, मीन्स दैट जो लोअर लोब है उसके ऊपर करके, ठीक है, और जो अपर लोब है उसके भी नीचे करके, ठीक है, यहाँ पे करके ना हमारा ये बनता है प्राइमरी टीबी में जो चीज़ बनती है। अच्छा, अब ये बात है कि ये जो प्राइमरी टीबी है ना, ये मतलब ये जहाँ पे बन रहा है, तो आपको पता है यहाँ पे लिम्फ नोड्स भी हमारे पड़े होते हैं, ठीक है। सो अगर तो जो हमारे पास ग्रैनुलोमा बन रहा है ना, वो सिर्फ इस जगह पे बना हुआ है, और ये मतलब ग्रैनुलोमा बन गया है, उसको हम कहते हैं गोहन्स फोकस, ठीक है। गोहन्स फोकस क्या होता है, गोहन्स फोकस क्या होता है कि जिसमें हमारे पास केजिएटिंग ग्रैनुलोमा होता है, उसके इर्द गिर्द आपने वो जो भी सारा पढ़ा है कि क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, जिसमें हमारे मैक्रोफेजेस होते हैं, एपिथेलॉइड सेल्स इनको हम कहते हैं, लैंगरहैंस जॉइंट सेल्स होते हैं, और इसके अलावा टी सेल्स होते हैं, वो सारा जो बनता है ना उसको हम गोहन्स फोकस कहते हैं। अगर साथ में हमारे लिम्फ नोड्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, लिम्फ नोड्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उस पूरे को हम कहते हैं गोहन्स कॉम्प्लेक्स, ठीक हो गया। और अगर इसमें फाइब्रोसिस हो जाती है तो उसको हम कहते हैं रैंकी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, रैंकी कॉम्प्लेक्स। तो गोहन फोकस क्या है, जिसमें हमारे पास प्राइमरी ग्रैनुलोमा बना है, ठीक है। गोहन्स कॉम्प्लेक्स क्या है, जिसमें लिम्फ नोड्स भी इन्वॉल्व हो गए हैं, और रैंकीज कॉम्प्लेक्स क्या है, जिसमें हमारे पास फाइब्रोसिस हो गई है। अच्छा, उसके बाद प्राइमरी टीबी बताया हुआ है, इसका दूसरा नाम जो है चाइल्डहुड टीबी भी होता है, गोहन्स कॉम्प्लेक्स भी होता है। इसका नाम जो मैंने आपको बता दिया कि गोहन्स कॉम्प्लेक्स क्या होता है, गोहन्स कॉम्प्लेक्स इज एक्चुअली कि हमारे पास केशिएटिंग जो हमारे पास गोहन्स फोकस बना हुआ है, अलॉन्ग विद द जो ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स होते हैं, अगर वो भी इन्वॉल्व हो जाए, उनकी भी जो है वो इनलार्जमेंट हो जाए, तो उसको हम गोहन्स कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इस वजह से प्राइमरी टीबी का दूसरा नाम जो है गोहन्स कॉम्प्लेक्स भी होता है, और ये हमारे पास होता है प्रीवियसली अनएक्सपोज्ड लोग, जिनको पहले से
टीबी नहीं हुआ होता, पहली दफ़ा टीबी होते हैं ना उनको हम कहते हैं। मोस्टली आपको ये स्कारिंग नज़र आना शुरू हो जाती है जो अभी हमने ब्रैंकिस कॉम्प्लेक्स पढ़ा ना कि जिसमें फाइब्रोसिस हो जाती है, और वो जो हमारे पास टीबी है वो एक जगह रुक जाता है, मतलब उस जगह से अब उसने फैलना नहीं है क्योंकि उसको सारा कंटेन कर लिया हुआ है, वॉल ऑफ कर दिया हुआ है हमारी चीज़ों ने, हमारी इम्यूनिटी ने, ठीक है। और एच आई वी पॉजिटिव टी सेल्स जो है, जो पेशेंट्स होते हैं, मैंने आपको बताती हूँ, उनमें CD4 काउंट कम होता है जिसकी वजह से जो है ना वो स्प्रेड कर सकता है। और जो है हमारे पास ये हो गया। उसके बाद जी आपकी मॉर्फोलॉजी आ जाती है। मॉर्फोलॉजी में मैंने आपको यही बताना है कि सबसे पहले आप मॉर्फोलॉजी में क्या लिखेंगे, इसकी ग्रॉस में आप क्या लिखेंगे, ग्रॉस में आप लिखेंगे कि सबसे पहले आप लोकेशन लिखेंगे कि जो लोकेशन इसकी होती है वो हमारे पास कॉमन है साइट लंग होती है, जहाँ पे ये मोस्टली जो प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस होता है ये आपकी जो है लोअर पार्ट ऑफ अपर लोब में हमारे पास ये होता है, मतलब अपर लोब, मैंने आपको बताया ना अपर लोब के लोअर पार्ट में और लोअर लोब के अपर पार्ट में, ठीक हो गया, लोअर पार्ट ऑफ द अपर लोब, ठीक है, एंड द अपर पार्ट ऑफ द लोअर लोब, ये वाली इसकी लोकेशन होती है प्लूरा के पास, ठीक है। और इसमें हमारे पे तीन चीज़ें बनती हैं, गॉन्स फोकस बनता है जो मैंने आपको बता दिया, आपने इसमें क्या लिखना है, दरमियान में केशियस निक्रोसिस है, उसके इर्द गिर्द हमारे मैक्रोफेजेस हैं, एपिथेलॉइड सेल्स, लैंगर एंड जॉइंट सेल्स, उसके इर्द गिर्द हमारे टी लिम्फोसाइट्स हैं, उसके इर्द गिर्द हमारे फाइब्रोब्लास्ट हैं। तो आपने गॉन्स फोकस में ये लिखना है, गॉन्स कॉम्प्लेक्स में आपने लिख देना है कि साथ में हमारे जो है लिम्फ नोड्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे रीजनल, तो उनको हम गॉन्स कॉम्प्लेक्स कह देंगे, और अगर उसमें हमारे पास प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस कैल्सिफिकेशन हो जाएगी तो हम रैंकिंग कॉम्प्लेक्स कह देंगे। तो यही इसकी सिंपल जो है ना मॉर्फोलॉजी, को इतनी मुश्किल नहीं है। सेकेंडरी टीबी की बात करते हैं, सेकेंडरी टीबी जो है इसको हम रीएक्टिवेशन टीबी भी कहते हैं, और ये उन लोगों में होता है जिनको पहले से टीबी हुआ होता है, ठीक है, और दोबारा से टीबी हो जाता है। क्यों होता है कि जो मतलब क्यों हो सकता है, मतलब कि उन पेशेंट के अंदर वो तो चलो ग्रेनुलोमा बन गया था एक जगह, वो रुक गया था टीबी, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल उनकी एकदम से इम्यूनिटी लो हो जाती है, वो स्टीरॉयड्स लेना शुरू कर देते हैं, या डायबिटिक हो जाते हैं, उनको एचआईवी हो जाती है, तो ये फिर हमारे पास जो प्राइमरी एक जगह रुका हुआ था ना टीबी, अब वो दोबारा से उठ जाएगा, ठीक है, सोया हुआ जाग जाएगा, तो उसको हम कहते हैं री इन्फेक्शन भी हो सकता है, और दोबारा से वो जो पुरानी वाली इम्यूनिटी है वो जाग उठी है। तो ये हमारे पास लेस देन 5% केसेज में होता है, और याद रखना ये ज़्यादा खतरनाक होता है। और ये होता कहाँ पर, हमारे पास हमने देखा था प्राइमरी टीबी कहाँ पर हो रहा था, प्राइमरी टीबी हमारे अपर पार्ट अपर लोब के लोअर पार्ट में, और लोअर लोब के जो है अपर पार्ट में हो रहा था, और कहाँ पे हो रहा था, प्लूरा के पास, मतलब कि इजीली हमारे लिम्फ नोड्स में जा सकता था। लेकिन ये वाला जो सेकेंडरी टीबी होता है ना, इसकी लोकेशन आपने याद रखनी है, सेकेंडरी टीबी जो है ना वो हमारे अपर लोब में होता है, यहाँ पे, ठीक है, अपर लोब में ऊपर एपिकल पोर्शन में जो है ना सेकेंडरी टीबी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई बहुत अच्छी होती है, और यहाँ पे इजीली जो है ना ग्रो कर सकता है। और हमारे पास याद रखना है, जो हमारे पास प्राइमरी टीबी था ना, उसमें एक्चुअली हमारी ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन हो रही थी, लेकिन यहाँ पे हमारी जो चीज़ आती है, आपने याद रखना है कि ये ऊपर कैविटेशंस बनाना शुरू कर देता है, कैविटेशन मतलब कि कैविटीज़ बनाना शुरू, कैविटी होती है ना, मतलब कैविटीज़ बनाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ये हमारी जो है वो ट्यूब्यूल्स के अंदर फैल के हमारी ऊपर तक आ जाता है, डिसिमिनेट कर सकता है, कैविटेशंस करना शुरू कर देता है, सुराख बनाना शुरू कर देता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद वो बता रहे हैं कि एचआईवी जो है ये आपने सारा देख लेना है कि जी ये इस तरह से हमारे पास, मतलब ये लिम्फ नोड्स को कम इन्वॉल्व करता है। क्यों? क्योंकि ये एपिकल पोर्शन में होता है, वहाँ पे तो कुछ खास किस्म के लिम्फ नोड्स होते नहीं है, तो वहाँ पे ये क्या करता है, कैविटेशंस बनाता है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये हमारी एयरवेज में आना शुरू हो जाता है बैक्टीरिया, और वहाँ पे हमारे स्पूटम के अंदर बैक्टीरिया आना शुरू हो जाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये ज़्यादातर एचआईवी पॉजिटिव लोगों में होता है, और ये उन्होंने बताया हुआ कि अगर CD4 पॉजिटिव टी सेल्स का काउंट जो है वो 300 से ज़्यादा हो तो उसकी वजह से हमारे पास जो है कैविटेशंस बनती हैं, और अगर 200 से कम हो तो हमारे पास जो है ये लोअर एंड मतलब अगर तो हमारे पास जो है ना 300 से ज़्यादा हो ना टी सेल्स का काउंट, ठीक है, सो फिर ये हमारे पास सेकेंडरी टीबी होगा, ठीक है, उससे रिजेंबल कर रहा होगा, मींस दैट ये जो अपर लोब है वहाँ पे बनेगा, एपिसिस में बनेगा। लेकिन अगर टी सेल्स का काउंट जो है वो 200 से कम है तो उस केस में जो है ये प्राइमरी टीबी से रिजेंबल करता है, जिसमें ये हमारे लोअर लोब्स को और मिडल लोब्स को जैसे प्राइमरी टीबी ने जिस जगह पे लोकेशन की हुई थी ना वहाँ पे इन्वॉल्व करता है, बस ये बात है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, तो मॉर्फोलॉजी में इसके जो है सेकेंडरी में क्या डिफरेंस होगा, लोकेशन का डिफरेंस होगा, हमने पढ़ा था ना लोकेशन का डिफरेंस क्या है, कि ये एपिकल प्लूरा में होता है, ठीक है, और ये ग्रे वाइट कलर का जो है ना बनाता है, और वहाँ पे इसने जो है कैविटेशंस बनाई होती हैं, वो नज़र आ रहा है, इन्होंने बहुत अच्छी पिक्चर दी हुई है बुक में, कि जो एपिसिस है ना ऊपर वाला ये वाला रीजन, यहाँ पे ये जो है ना ग्रे वाइट एरियाज बनाता है केजिएटिंग की, और वहाँ पे जो है कैविटेशंस बनाई होती है, कैविटीज़ मतलब ऐसे स्पेसिस इसने बना दी होती है, जिसकी वजह से ये ईजिली हमारे एयरवेज में आ जाते हैं, और हमारे स्पूटम में बैक्टीरिया आना शुरू हो जाते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जी यहाँ पे ये जो है प्रोग्रेसिव फाइब्रस कैप्सुलेशन कर देता है, और फाइब्रोकैल्सिक स्कार्स बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। अगर तो ये हील हो जाता है तो ये फाइब्रोसिस हो जाती है यहाँ पे, और अगर ये हील नहीं होता, फाइब्रोसिस नहीं होती, तो ये प्रोग्रेस करता है, और हमारे पास प्रोग्रेस किस तरह से करेगा,
के ये हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाएगा, ठीक है, वहाँ पे जाके ब्लड वेसल्स में जाएगा, उनको तोड़ेगा तो हमारी ब्लडी वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक हो गया। और जो है अगर ये फाइब्रोसिस हील हो जाता है तो हमारे पल्मोनरी आर्किटेक्चर को ख़राब कर देता है। अब देखें, अब ये जो है ख़तरनाक किस्म का इस वजह से होता है क्योंकि ये ब्लड से फैल जाता है हमारे जो है ना लिम्फेटिक चैनल्स के थ्रू, मतलब लिम्फ नोड्स में गया, ठीक है, उसकी वजह से मीलरी पल्मोनरी डिजीज़ हो जाती है। मीलरी पल्मोनरी डिजीज़ क्या होती है, मैं आपको बताती हूँ कि मीलरी पल्मोनरी डिजीज़ क्या होती है। ये देखें, ये आपके पास मीलरी पल्मोनरी डिजीज़ है, ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो हमारे ये फॉर एग्जांपल इधर था ना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसने लिम्फ नोड्स के थ्रू फैला, पूरी बॉडी में लिम्फ नोड्स के थ्रू फैला, उसके बाद ये ब्लड वेसल्स में आ गया। ब्लड वेसल्स में आके जो ब्लड वेसल्स ब्लड से आके वापस हमारे जो है ना लंग्स में आके इसने जगह 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 ये आपको नज़र आ रहे हैं डॉट्स, ठीक है, जगह जगह इसने जो है ना ग्रैनुलोमास बना दिए। पहले तो एक जगह ग्रैनुलोमा बना हुआ था ना, लेकिन सेकेंडरी टीबी में क्या होता है, मिलियरी टीबी में पूरी लंग्स के अंदर जो है ना ग्रैनुलोमा बन जाता है। ये देखिए आपको लंग्स के एक्सरे नज़र आ रहे हैं, ये दाने पूरे जो है लंग्स के अंदर दाने नज़र आ रहे हैं आपको, ये मिलियरी टीबी है कि लिम्फ नोड्स के थ्रू जो है ये ब्लड में गया और ब्लड से यहाँ पे आके इसने पूरे लंग्स के अंदर जो है ना ग्रैनुलोमास बना दिए, और ये रिजेंबल कर रहे होते हैं हमारे इन सीड्स से, मिलियरी सीड्स से, इस वजह से हम इसको मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये देखिए, ये आपको पिक्चर दिखाई हुई है कि लेटेंट इन्फेक्शन किस केस में होगा, प्राइमरी टीबी में, ठीक है, कैविट्री वाला किस में होगा, सेकेंडरी टीबी में कैविटेशंस बनेंगी, ठीक हो गया, और मिलियरी टीबी हो गया कि सारे लंग्स के अंदर ग्रैनुलोमास बन जाएंगे। पहले तो लेटेंट पे ये था ना कि एक ग्रैनुलोमा बना होता है, मिलियरी में क्या होता है ब्लड के थ्रू लंग्स में आता है, वहाँ पे आके मल्टीपल ग्रैनुलोमास बनाता है। अच्छा, उसके बाद मिलियरी टीबी के बाद और ये क्या कर सकता है सेकेंडरी में, ये हमारे पास ब्रोंकिया के अंदर जाके ग्रैनुलोमास बना देता है, ट्रैकिया के अंदर जाके बना देता है, लेरेंजियल में आके बना देता है। सिस्टेमिक मिलियरी टीबी में क्या होगा कि पूरी बॉडी में फैल जाएगा टीबी, हमारे लिवर में, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं बताती हूँ, फॉर एग्जांपल ये बंदा है ना, तो इसकी यहाँ से फैलेगा, लिवर में आ जाएगा, स्प्लीन में आ जाएगा, बोन मैरो में चले जाएगा, ऊपर ब्रेन में चले जाएगा, स्किन में आ जाएगा, ठीक है, जगह जगह हमारी बॉडी में जो है ना ये ग्रैनुलोमास बनाएगा, नीचे भी जाएगा, मैं बताती हूँ कि ये जो किडनीज है ना उसमें भी चला जाता है, वहाँ भी ग्रैनुलोमास बन जाते हैं, फिलोपियन ट्यूब्स में भी चला जाता है, पीडीडिमस में भी चला जाता है, जगह जगह जाके जो है ना वहाँ पे, उसको हम कहते हैं सिस्टेमिक मिलियरी टीबी। तो पल्मोनरी मिलियरी टीबी में क्या था, सिर्फ हमारे लंग्स के अंदर जो है वो ग्रैनुलोमास जगह जगह बन रहे थे, सिस्टेमिक मिलियरी टीबी में जगह जगह पूरी बॉडी के ऑर्गन्स में जो है ना ग्रैनुलोमास बनना शुरू कर देते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये जो है ना हमारे पास क्या है, सिस्टेमिक, सॉरी। अच्छा देखें, अब आइसोलेटेड ऑर्गन टीबी क्या है कि मतलब एक ऑर्गन के अंदर टीबी हो रहा है, ठीक है, सो ये हमारे पास जो है इसमें अगर तो मेनिंजेस में हो रहा है तो हम टीबी ट्यूबरकुलस मेनिनजाइटिस कहते हैं, अगर किडनीज में हो रहा है तो उसको हम रीनल ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, अगर एड्रिनल ग्लैंड्स में हो रहा है, बोन्स में हो रहा है तो ऑस्टियोमेलाइटिस कहते हैं, फ्लोपियन ट्यूब्स में हो रहा है तो सेल्पिनजाइटिस कहते हैं। पोर्स डिजीज़ क्या होती है, जिसमें हमारी वर्टिब्रा के अंदर टीबी हो जाता है, ये मैं अभी इसकी पिक्चर दिखाती हूँ आपको। लिफेडेनिटिस क्या होता है कि इसमें हमारी जो पल्मोनरी टीबी होती है वो हमारे सर्वाइकल जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसको इन्वॉल्व कर लेता है, जिसकी वजह से स्क्रोफ्यूला बन जाता है, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद जी हमारे पास जो है इंटेस्टाइनल टीबी जो होता है वो मैंने आपको बता दिया कि जो स्वेलिंग हो जाती है हमारे कफ्ट मटेरियल की और हमारे मतलब ट्रेकिया के अंदर से एसोफेगस में चला गया और फिर इंटेस्टाइन में चला गया और वहाँ पे जाके हमारे लिम्फोइड एग्रीगेट्स बन गए टीबी के, तो उसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल टीबी, ठीक हो गया। मैं दिखाती हूँ पिक्चर्स इनकी। दिस इज़ अ पेशेंट ऑफ पोर्ट्स डिजीज, जिसमें उसकी जो वर्टिब्रा है उनके अंदर एक्चुअली टीबी हुआ हुआ है, ठीक है, वहाँ पे फैल गया। दिस इज़ एक्चुअली द स्क्रोफ्यूला, जिसमें एक्चुअली मैंने आपको बताया कि इट इज़ अ आइसोलेटेड ऑर्गन टीबी, जिसमें सर्वाइकल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, और ये आपके पास इंटेस्टाइनल टीबी है और जी इसकी इंटेस्टाइन के अंदर जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस चला गया और उसको पेन हो रही है, ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद ये देखें जी, हमारे पास जो है ये सबसे पहले प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद जो है वो प्राइमरी इन्फेक्शन की वजह से प्राइमरी टीबी हो गया। प्राइमरी टीबी जो है वो हील भी हो सकता है, नंबर वन। दूसरा वो जो है लेटेंट जा सकता है, हील बाय फाइब्रोसिस, ठीक है। दूसरा ये लेटेंट हो सकता है, मतलब कि छुप जाता है, सो जाता है। और तीसरा ये प्रोग्रेस करता है, ठीक है। अगर तो ये प्रोग्रेस करता है, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। अगर तो ये प्रोग्रेस करेगा तो क्या होगा हमारे पास के जो है ये ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, या तो हमारे पास मीलरी पल्मोनरी डिजीज़ हो जाएगी या मीलरी जो है सिस्टेमिक डिजीज़ हो जाएगी, जो हमने डिस्कस की। उसके बाद जो है ये अब सेकेंडरी टीबी कैसे होगा, सेकेंडरी टीबी हमारे पास प्रोग्रेसिव प्राइमरी टीबी अगर प्रोग्रेस कर रहा है उसके रीइंफेक्शन की वजह से हो सकता है, या जो लेटेंट सोया हुआ बैक्टीरिया था वो जाग उठता है और सेकेंडरी टीबी करवा देता है। और सेकेंडरी टीबी जब हो जाती है तो उसके बाद वो क्या करता है, या तो हमारे पास जो है इस तरह से सेकेंडरी टीबी में कैविटेशंस बनना शुरू हो जाती हैं और कैजुएटिंग जो है ना डिस्ट्रक्टिव लियंस बन जाएंगी, लोकलाइज एक जगह पे कैविटेशंस कैजुएशन स्कार बनना शुरू हो जाएगा, या तो ये प्रोग्रेसिव सेकेंडरी टीबी जो है ये पूरी बॉडी में फैलेगा और मीलरी टीबी करवा देगा। सो ये आपके पास पूरी समरी है।
सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी टीबी एंड द सेकेंडरी टीबी? प्राइमरी टीबी जो है ये हमारी होस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है और मतलब कि एक जगह पे फोकस बन जाता है और वो हील भी हो सकता है फाइब्रोसिस की वजह से, या वो लेटेंट चला जाता है, मतलब एक जगह पे रुक जाता है माइकोबैक्टीरियम, फैल नहीं सकता। लेकिन सेकेंडरी टीबी में देखें कि किस तरह से वो हमारे पास कैविटेशंस करेगा और पूरी बॉडी में जो है फैल जाएगा थ्रू द ब्लड स्प्रेड। आपके पास थोड़ी सी पिक्चर है जिसमें आपके पास सबसे पहले पेशेंट ने एरोसोल ट्रांसमिशन हुई, एल्वियोलर मैक्रोफेजेस ने उसको फैगोसाइटोस किया और बाद में हमारे पास सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से ग्रैनुलोमा बन गए। और ग्रैनुलोमा अगर हमारे पास रप्चर कर जाते हैं तो अगर तो वो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसकी वजह से ये रप्चर कर देंगे और एयर वे में चले जाएंगे और हमारी स्पूटम के अंदर आना शुरू कर देंगे। अगेन दिस इज अ पिक्चर शोइंग यू ट्रांसमिशन ऑफ द टीबी, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास ये हुआ मैक्रोफेजेस में आया, उसके बाद हमारे पास ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हुई, ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन हुई और उसकी वजह से हमारा पूरा ग्रैनुलोमा बन गया। और अगर ये हमारे पास फैल जाता है, सेकेंडरी टीबी रीएक्टिवेट हो जाता है, तो ये हमारी पूरी बॉडी में फैलेगा और लंग्स को भी इन्वॉल्व करेगा। मिलरी मतलब वो सारे मैंने आपको बताया ना, मिलरी टीबी करवा सकता है, मिलरी सिस्टेमिक डिजीज़ करवा सकता है, उसका फोला फॉर्मेशन कर सकता है, इंटेस्टाइनल इन्वॉल्वमेंट कर सकता है, पोस्ट डिजीज़ करवा सकता है, एक्सेट्रा। ओके, इसके आपके क्लिनिकल फीचर्स तो आपको आते होंगे कि मलेस होता है, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, फीवर होता है, ठीक है, वेट लॉस की हिस्ट्री होती है। अब देखें, हमने लंग कैंसर्स के अंदर वेट लॉस देखा था, लेकिन लंग कैंसर्स के अंदर कोई इस तरह की बाकी चीज़ें नहीं आ रही होती। पेशेंट को नाइट स्वेट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, पेशेंट को नाइट स्वेट्स होते हैं, पेशेंट को फीवर होता है, ठीक है, फीवर होता है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है ना, हम कैसे निमोनिया से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि निमोनिया के अंदर जो है हाई ग्रेड फीवर होता है उसमें किसी किस्म के नाइट स्वेट्स नहीं आते, यहाँ पे नाइट स्वेट्स आते हैं, यहाँ पे पेशेंट को वेट लॉस स्टार्ट हो जाता है, पेशेंट को यहाँ पे मलेस, एनोरेक्सिया वगैरह आता है, ठीक हो गया। उसके स्पूटम के अंदर जो है सबसे पहले जो है हमारे पास पुरुलेंट स्पूटम होता है, उसके बाद अगर तो कैविटेशंस बन जाती हैं तो फिर उसकी वजह से क्या होता है कि पुरुलेंट बेसिलाई भी आना शुरू होता है स्पूटम में और ब्लडी वॉमिटिंग होती है, पेशेंट को पेरियोडिक पेन होगी, ठीक है। और अगर तो स्पेंसल टाइटस हुआ तो उसको इनफर्टिलिटी हो जाएगी, अगर मेनिनजाइटिस है तो उसको हेडेक होगा, अगर तो पॉट्स डिजीज है उसको तो बैक पेन होगी, ठीक हो गया। और ये बाकी जो बोंगियाँ लिखी हुई है ना, मतलब ये आपने पढ़ा हुआ है कि किस तरह से हम उसको कल्चर करवाते हैं और डायग्नोज करते हैं, प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है कि कितना इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ हुआ है, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी कितनी आई है, वो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये क्लिनिकल फीचर्स जो है ना डायग्नोसिस के लिए आना चाहिए ताकि आप उसको डायग्नोज कर सकें। सो लास्टली दिस इज अ पिक्चर शोइंग यू द पेशेंट ऑफ टीबी एंड ही इज कफिंग, ओके, और पूरी उसके लंग्स के अंदर जो है ना मीरियल टीबी लग रही है।